नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। महागठबंधन की दो बड़ी पार्टी यानी कि हम बात कर रहे हैं आरजेडी और कांग्रेस की, इन दोनों पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं वो कानूनी पचड़ों में फंसे हुए हैं, जिस वजह से प्रदेश संगठन के विस्तार का जो पूरा मामला है वो अटका हुआ है। चलिए पहले बात करते हैं आरजेडी की। आरजेडी को प्रदेश संगठन का विस्तार करना था लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए, लेकिन बीते साल 20 सितंबर को जगदानंद सिंह फिर से एक बार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो लगा कि अब जगदानंद सिंह जो है संगठन के विस्तार पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा मामला जो है वो सामने आ गया। फिर लगा कि लालू प्रसाद यादव एक बार स्वास्थ्य लाभ कर लेंगे तब शायद आरजेडी के संगठन के विस्तार के विषय में लालू परिवार सोचेगा, लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसने लगा, जिसके बाद अब जो है आरजेडी के संगठन के विस्तार का पूरा काम ऐसा लग रहा है कि अटक गया है। पूरे मामले पर आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। यह बात सही है कि केंद्रीय एजेंसियां बगैर किसी आधार और साक्ष्य के हमारे शीर्ष नेतृत्व को परेशान कर रही है, लेकिन सांगठनिक गतिविधियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और सांगठनिक गतिविधियां नियमित रूप से चल रही हैं। रहा प्रदेश कमेटी के गठन का सवाल और जिला अध्यक्षों की घोषणा का सवाल, तो कुछ मामले हैं जो पार्टी के विवाद निवारण समिति के विचाराधीन है, उस पर सुनवाई चल रही है और ज्यों ही इन मामलों का निष्पादन हो जाएगा उसके बाद प्रदेश कमेटी की घोषणा और जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। जो हाल आरजेडी का है कमोबश यही स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी पर कानूनी शिकंजा कसा हुआ है, उनकी सांसद की सदस्यता समाप्त हो गई है, उनका सरकारी आवास खाली करवा लिया गया है, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के प्रदेश संगठन के विस्तार का पूरा काम फंसा हुआ है। कांग्रेस ने मदन मोहन झा को हटाकर अखिलेश सिंह को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन उसके बाद लगा कि अखिलेश सिंह बड़ी जल्दबाजी में जो है प्रदेश संगठन के विस्तार का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो न सका। पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, जरा देखिए। देखिए, प्रक्रिया के तहत सब कुछ चल रहा है। प्रखंड अध्यक्षों का चयन हमारे यहाँ हो गया है, उनका चुनाव हुआ और घोषणा हो गई। उसके बाद जिला अध्यक्षों की प्रक्रिया भी चल रही है। बड़ा राज्य है बिहार और चुनावी प्रक्रिया में समय लगता है, तो जिला अध्यक्षों की प्रक्रिया चल रही है। 10 से 15 दिनों में बिहार में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा हो जाएगी, उसके ठीक बाद प्रदेश कमेटी की प्रक्रिया शुरू होगी। सब कुछ प्रक्रिया के तहत होगा। बता दें कि अखिलेश सिंह ने प्रखंड अध्यक्षों की सूची तो तुरंत जारी कर दी, लेकिन जब बाकी अध्यक्षों की सूची जारी करने का मौका आया तो पहले कांग्रेस राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में फंस गई और उसके बाद राहुल गांधी पर जब कानूनी केस हावी हुआ तब लगा कि उस वजह से जो है कांग्रेस ने पूरी प्रक्रिया को टाल दिया है। खैर, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि जो प्रदेश संगठन के विस्तार का पूरा काम है वो फंसा नहीं है, जल्दी ऐलान होगा, लेकिन देखना होगा कि ऐलान होता कब है। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।